नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कछवा, एमटी रीजन आर्ट इंडिया जयपुर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह से हमने आपको एक पहला वीडियो बताया था जिसमें हमने प्राइमर लगाना सिखाया था आपको, दूसरा वीडियो बनाया था हमने जिसमें बेस कोट लगाना सिखाया था। दोस्तों, हमारे पास ये टॉप बन चुका है, ये 5 घंटे हो चुके हैं इसको और ये पूरी तरह से सूख चुका है। देखिए, इसके ऊपर सारा टेक्सचर बन चुका है, अब इसके ऊपर हम लोग टॉप कोट लगाने वाले हैं। दोस्तों, 4 से 5 घंटे में ये केमिकल सूख जाता है, सूखने के बाद आपको इसके ऊपर टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट लगाने की प्रक्रिया सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, आप उसको आराम से देखिए, इसमें भी कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से लगता है। इसमें केवल 2 कंपोनेंट काम आएंगे आपके सामने, आप देखेंगे टॉप कोट SL31, इसमें 2 हिस्से आएंगे आपके पास, एक रेजिन और एक हार्डनर। इसका रेशियो रहेगा 3:1 का, 100 ग्राम पे 30 ग्राम, 50 ग्राम पे 15 ग्राम। तो इसी के लिए आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने आपको ये एक्सेल शीट बना के दी थी आपको, उसी तरह से आप इसमें देखेंगे, सबसे पहले एक ब्लू कलर का था, फिर रेड कलर का आया और सबसे नीचे देखेंगे ये डार्क ब्लू कलर का, और इसमें अंदर आपको जाना है वापस 18:18 लिखना है, तो 2.25 स्क्वायर फीट आपका। देखिए, जिस तरह से हमने डाला ना, तो इसमें ये जैसे आएगा, ये 84 ग्राम ही आएगा और 28 ग्राम ही आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तो 30 ग्राम और 90 ग्राम ऐसा करके 120 ग्राम इसका केमिकल का बना सकते हैं। ये सारा इसमें डाटा दे रखा है, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है और जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। और उसके लिए भी आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले वही आपको अपना कांटा लेना है, उस कांटे को इसके ऊपर रखना है। देखिए, उसी के लिए वापस वही हमें कांटा काम लेना है, ग्रास को रखना है, चालू करना है और जीरो करना है। जीरो करने के बाद सबसे पहले अपने को हार्डनर डालना है, हार्डनर इसके अंदर आएगा आपका 30 ग्राम, हम 30 ग्राम इसके अंदर हार्डनर डालते हैं। ये 3:1 का रेशियो है, तो इसमें इसका 3 गुना ये जाएगा, अगर 30 ग्राम ये डाला है तो 90 ग्राम ये वाला जाएगा आपका। तो इसमें केवल 2 कंपोनेंट ही मिलेंगे, इसमें 4 कंपोनेंट लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। देख, इसमें कभी भी आप ये ना समझे कि मैंने हार्डनर जल्दी डाल दिया या ज्यादा डाल दिया तो जल्दी सूख जाएगा, ऐसा कभी मत कीजिए। कंपनी का जो रेशियो दे रखा है उसी रेशियो से हिसाब से आपको काम लेना है। अगर 3:1 दिया है तो 3:1 का मतलब होता है ये 1 गुना आएगा तो 3 गुना आएगा, बस 2:1 का मतलब होता है ये 1 गुना आएगा तो 2 गुना रेजिन आएगा, रेजिन ज़्यादा आता है। किसी में 1:1 आता है तो 1:1 कीजिए, बस आपको ये मिलाना है। इसमें कोई कलर नहीं मिलाना है, इसको ट्रांसपेरेंट ही रखना है। पर आपको आराम से इसको मिक्सअप करना है, ऐसे इसको 2 से 3 मिनट तक हिलाते रहना इसको। देखिए, पहले हार्डनर डालना और उसके ऊपर रेजिन डालना आपको मैंने बता दिया है, सबसे अच्छा गिना जाता है। तो सबसे पहले आप हार्डनर डालिए, उसके बाद में रेजिन डालिए और उसको आराम से पूरा मिलाइए, आगे पीछे ऊपर नीचे करके। ये बिल्कुल पतला आएगा आपका, ये बिल्कुल SL ग्रेड है, सेल्फ लेवल ग्रेड है। जब ये मिल जाता है, मिलने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दीजिए और कोशिश कीजिए इसको थोड़ा सा ढक दीजिए, एक ढक्कन से इसको ढक दीजिए। इसको ढकने से क्या होगा, जो भी ये अपना हीट पैदा करेगा, हीट की वजह से इसके जो अंदर के बुलबुले हैं वो सारे फट जाएंगे। तो देखिए, अब आपने मिलाया है इसको, इसको कम से कम आप मान के चलो 20 से 25 मिनट तक आप इसको रोक दे रख देना है। मतलब अभी हमारे 10 बज चुके हैं रात के, पर 10 बजने के बाद अभी हमने 10:12 हुए हैं, अब हमें को क्या करना है, इसको 10-15 मिनट तक उसको छोड़ देना है। अभी 10-15 मिनट के बाद में हम लोग को क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर लगाएंगे। दोस्तों, जब तक ये गर्म होता है मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आप इसको 10 से 15 मिनट तक इसको छोड़ दीजिए, इसकी प्रक्रिया को चालू करने दीजिए। जब इसकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, हमको केवल इसको इन्हीं हाथों में ग्लव्स पहनना है और वापस इसको स्लो स्लो हाथ से थोड़ा थोड़ा करते हुए, जैसे हमने प्राइमर लगाया था वैसे हमने बेस कोट लगाया था, इसी तरह से इसको लगाना है। इसमें कोई कलर नहीं मिलाना है, इसको एकदम क्लियर रखना है। और जब ये लगा देंगे, जब कंप्लीट लग जाएगा, तो हम इसके ऊपर 4 पाया खड़े करेंगे, जिससे थोड़े से ऊंचे हो, वो कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर उसको ढक के रख देंगे। ढकने से क्या होगा,
जो ऊपर के उड़ते हुए पार्टिकल्स आते हैं वो उसके ऊपर नहीं गिरेंगे, वो साइड से निकल जाएंगे और साइड से खुला रखेंगे ताकि इसकी गैस निकलती रहे। दोस्तों इस दरमियान ध्यान रखना है, आपको जब भी टॉप कोट लगाते हैं कोशिश कीजिए पंखा ना चले, रूम में पंखा ना हो। अब मैं इसमें कुछ और चीज़ें आपके बारे में बताना चाहता हूँ केमिकल के बारे में। ये केमिकल हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर टेस्टिंग करते हैं, 24 डिग्री के ऊपर ये सारा काम होता है। अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो और वहाँ का रूम टेम्परेचर 25, 30, 35 डिग्री तक पहुँच गया है तो ये अपनी प्रक्रिया का समय घटा देगा। जैसे हमने बताया 2 घंटे में ये आपका काम करता है। अगर आपका रूम का टेम्परेचर 30-35 डिग्री है तो वो 1.5 घंटे में सारा काम हो जाएगा, हो सकता है 1 घंटे में काम हो जाए। अगर आप टीन शेड में काम कर रहे हैं तो हो सकता है वहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो, हो सकता है आपके पास में कोई भट्टी लगा रखी है उधर से हीटिंग ज़्यादा आ रही है और ये ज़्यादा हीट हो रहा है लगाने के समय, तो ये काम जल्दी सूख सकता है। उल्टा अगर आप ठंड के मौसम में काम कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो हो सकता है ये 2 घंटे की जगह 4 घंटा भी ले सकता है। तो सर्दी के मौसम में ये थोड़ा सा लेट सूखता है, गर्मी के मौसम में ये जल्दी काम करता है। प्राइमर लगाने के लिए आप खुले आसमान के नीचे प्राइमर लगा सकते हैं, क्योंकि लगाने के बाद उसको घिसाई करते हैं। बेस कोट भी आप लगाना चाहते हैं खुले आसमान के नीचे लगा सकते हैं, बट उसमें क्या कुछ मक्खी वक्खी बैठने का डर रहता है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा उसको खुले में लगाना आपको। बस जो लास्ट टॉप कोट लगाते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा हाथ से इस्तेमाल करके उसके ऊपर आप टॉप कोट लगा दीजिए। टॉप कोट लगाते समय उसको ढक के रख दीजिए और उसको एक ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए या 12 घंटे के लिए छोड़ दीजिए इसको। उसके बाद में हाथ लगाइए, इसको गीले गीले बाहर नहीं लगाना है। जब ये सूख जाएगा तो आपको 24 घंटे बाद इसके ऊपर वापस काम ले सकते हैं। जो इसके पीछे बल्बुले कैसे हटाने हैं ये भी हम आपको बताएंगे, आप आसानी से इस काम को कर पाएंगे। और भी कोई आपको तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, आप मेरे जो टेलीफोन नंबर दे रखे हैं स्क्रीन पे भी आते रहेंगे, आपके नंबर लास्ट में भी आएंगे, और ऐसे आपके पास मेरे नंबर है, आप मेरे से बात करके इसका सारा समाधान दे सकते हैं। दोस्तों देखिए, हमने जब ये केमिकल इसको मिलाया था अभी एकदम टोटली क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। जब हम इसको 10-15 मिनट छोड़ते हैं ना तो सारे बबल अपने आप हट जाते हैं, ऊपर से जब ढकते हैं तो गर्मी की वजह से इसके में जो गैस बनती है वो मिलके एकदम पूरा क्रिस्टल क्लियर बन जाता है। अब ये क्रिस्टल क्लियर बन गया है और कम से कम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना ही छोड़ना है। अगर 15 मिनट छोड़ देते हैं तो भी कोई टेंशन नहीं आपको। जब ये 10-15 मिनट हो जाते हैं, मैं हो चुके 10-15 मिनट इसके अंदर, फिर आपको वैसे ही जैसे लगाना ना, जैसे हमने प्राइमर लगाया था और जैसे बेस कोट लगाया था उसी तरह से आपको इसको भी लगाना है, और स्लो स्लो करते धीरे धीरे करके लगाना है। इसमें कोई कलर नहीं मिलाना है, ये टॉप कोट है, इसके अंदर खुद के अंदर बहुत सारी चमक है और इस चमक को आप आंखों से देखोगे ना आपको चेहरा दिखेगा पूरा पूरा, क्योंकि हमने टॉप कोट लगाने का एक मकसद होता है। प्राइमर इसलिए लगाते हैं कि लकड़ी के अंदर जो हवा निकलती है, जो हवा खींचती है, जो होलो होता है अंदर से, उसको रोकता है। बेस कोट लगाने का मतलब होता है हमने इसके ऊपर टेक्सचर लगा दिया, इसके अंदर जो चाहिए अपने को। टॉप कोट क्या करता है, जो टेक्सचर लगाया ना उसको कायम करता है ताकि उसके ऊपर कोई आँच ना आए और वो एकदम जैसा रहे वैसा ही रहे, इसलिए हम लोग टॉप कोट लगाते हैं। लगाने का तीनों का तरीका एक ही रखें, इससे क्या होता है आपको बार बार कुछ तरीके चेंज करने की जरूरत नहीं रहे। इसको सूखने में आपको एक रात के लिए छोड़ना पड़ेगा, कम से कम इसको 8-9 घंटे लगते हैं इसको जमने में पूरा पूरा। इसकी काम करने की क्षमता करीब 45 मिनट से लेकर 50 मिनट तक इसके अंदर है क्षमता। अब आप इसको धीरे 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 इसको फैला दीजिए और पूरा सेल्फ लेवल केमिकल है वाला, ये अपना लेवल अपने आप पकड़ लेगा। देखिए हम आपको आराम से सब कुछ एकदम से सिखा रहे हैं, अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को वापस रिपीट करके फिर देख लीजिएगा, और भी समझ में आए मेरे को कॉल कर सकते हैं, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इसमें। क्योंकि देखिए नया नया काम होता है, जब आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी तब आप इसको कमर्शलाइज कर सकते हैं। ऐसे करते हुए इसको किनारे पर लेके जाइए और स्लो स्लो इसको छोड़िए। इसको नीचे जाने दीजिए इसको, ताकि किनारे पे भी अच्छे से लग जाए। देखिए अभी तक हमने जो भी काम किया ना, हमने कोई फालतू मशीन का काम नहीं लिया, केवल एक ब्लोअर मशीन लिया अपन ने, एक कांटा काम लिया क्योंकि हम वजन के लिए कांटा जरूरी होता है, और एक फ्लेम टॉर्च, बस ये 3 मशीनें का ही काम लिया हमने, और इसी से सारा पूरा पूरा टेबल टॉप बना दिया। अब आप अपने घर में जो भी पुरानी टेबल बड़ी होती है आप उसको भी नया कर सकते हैं, घर का बाथरूम का दरवाज़ा,
घर का दरवाजा प्लाई के ऊपर, पत्थर के ऊपर, कोई पुरानी टेबल हो, कोई डाइनिंग टेबल हो, उसको आप रिनोवेट कर सकते हैं अपने हाथों से। बस ये आपका काम हो चुका है। अब जो बाकी बचा हुआ है आपको उसके ऊपर थोड़ा फैला देना चाहता हूँ। अब ये अपना आप सारा लेवल पकड़ लेगा आपको। अब देखिए ये सब करने के बाद इसके ऊपर क्या, रात को कोई पार्टिकल गिर सकता है, दिन में कोई हवा में कोई पार्टिकल आ सकता है, इसके लिए हम इसको ऊपर से ढक के रखेंगे। अब कैसे ढकना है ये अभी भी आपको बताने वाला हूँ मैं। केमिकल एक साथ नहीं उलटना आपको, एक साथ उलटने से क्या होगा, एक तरफ ढलान होगी तो वो कैसे निकल जाएगा। लेवल का सबसे बड़ा ध्यान रखना, ये सेल्फ लेवल है। कहीं पे भी गड्ढा लगे आपको उसको भर दीजिए, बस हल्के हाथों से इकंगी कर दीजिए इसको आप। देखिए काम करने के बहुत सारे औजार आते हैं, पर मुझे नहीं लगता है इस काम में किसी भी औजार को आपको खर्च करना चाहिए या किसी भी औजार में पैसा लगाना चाहिए। अपने हाथ ही अपने औजार बन जाते हैं और इसमें कोई नुकसान नहीं है कि हमने इससे पहले मोजा खराब होता है। बस आराम से चारों तरफ हाथ लगा दीजिए इसके, थोड़ा थोड़ा इसको फैला दीजिए आहिस्ता आहिस्ता करते हुए कि सब जगह केमिकल एक जैसे पहुंच जाए। ऐसे कंघी कर दीजिए, एक बार ऐसे कंघी कीजिए, हाथों को छोड़ा कीजिए, कंघी बने इसको यहाँ तक लेके आइए। अब देखिए इसका ग्लोस आपको पहले से दिखने लग गया होगा, अभी इसका ग्लोस मैं भी आपको दिखने वाला हूँ। देखिए ऐसे एक बार हॉरिजेंटल एक बार वर्टिकल, ऐसे करने के बाद आप इसको चारों तरफ से गिर दीजिए। बस अब आपका काम सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हल्का सा इसमें आपको तेज नहीं करना, बिल्कुल स्लो वाला चलाना है। अब इसको गर्म करने से क्या हो गया, इसका सारा बुलबुल हट जाएगा और एक चमक से आ जाएगी इसके अंदर। देखिए जब वो केमिकल लगा देते हैं तो इसके अंदर इतना ग्लोस आ जाता है, अब आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा करने से आपका सारा काम हो जाता है। अब हम इसको ढक के रखेंगे ताकि इसके ऊपर जो हवा में आने वाले पार्टिकल है इसके ऊपर गिरेंगे, उसके अंदर धसेंगे नहीं और एक गड्ढा नहीं डालेंगे। देखिए इसके लिए हमने क्या किया है, ये चार बोतल लेके आए हम लोग, एक दो तीन और चार, चार बोतल इससे थोड़ा सा ऊंचा है, और एक प्लाई का टुकड़ा लेके आए हम लोग। इस प्लाई के टुकड़े को हम लोग इसके ऊपर धक्के छोड़ा है। अब इसमें क्या होगा, ऊपर से जो भी पार्टिकल्स आएगा इसके ऊपर नहीं गिरेगा और वो नीचे वाला एकदम सेफ रहेगा, चारों तरफ से गैस निकलती रहेगी। बस इतना सा करके आप उसको एक रात के लिए छोड़ दीजिए, सुबह आप जब देखेंगे ये अपना सॉलिड सरफेस ले चुका होगा। तो दोस्तों देखा आपने, हमने इसके ऊपर टॉप कोट भी लगा दिया है। टॉप कोट में हमने केवल दो कंपोनेंट काम लिए थे। कंपोनेंट मिलाने के बाद उसको 10 से 15 मिनट तक छोड़ देना है ताकि अपनी प्रक्रिया चालू कर दे, जो भी बबल है सारा हट जाए। फिर स्लो स्लो जिस तरह से हम लोग प्राइमर लगाते हैं वैसे बेस कोट लगाते हैं, वैसे इसको आहिस्ता आहिस्ता फैलाना है। वो सेल्फ लेवल होता है इसलिए अपना सेल्फ लेवल ले लेता है। जो पहले जो लगे सारे WSL ग्रेड के थे उनको आप फैला नहीं सकते थे, उसको फैलाना पड़ता था। ये अपने आप फैलेगा जब लगा देते हैं। लगाने के बाद उसको हल्का सा हीट करके उसका बबल सारा बिठा दीजिए। उसकी चमक मैंने अभी आपको दिखा दी थी कैमरे से। उसके बाद में करना कुछ नहीं है, एक रात के लिए इसको छोड़ना है। अभी रात के 10:30 बजने वाला है तो अभी हम लोग छोड़ेंगे ना, सुबह 10:30 तक ये एकदम कठोर हो जाएगा। और चार पैर इसके ऊपर थोड़े से ऊंचे लगा देने और इसके ऊपर एक प्लाई रख देनी है, साइड से हवा निकलती रहे। आप चाहे तो इसके पन्नी भी डाल सकते हैं, ढक सकते हैं इसको। बस ऐसा हो कि इसके ऊपर ना गिरे वो, इससे क्या ऊपर हवा में उड़ने वाले पार्टिकल्स इसके ऊपर नहीं गिरेंगे, ये एकदम सेफ निकलेगा। इस तरह से आप दिन के 4-5-10 टेबल जितना बनाना चाहे अपने हिसाब से बना सकते हैं। ये टेबल केवल एक बनाया हमने, पूरे दिन में एक बना हमारा, मगर टाइम हमारा उतना ही खर्च हुआ। इतना ही टाइम में हम लोग 4 टेबल बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपना प्रोडक्शन चालू कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप उनसे बात कीजिए, और कल हम इसको सुबह खोलेंगे और इसके लेग लगा के आपको दिखाएंगे किस तरह से लेग लगाते हैं, पीछे की सफाई कैसे करते हैं।